नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष के ही बिना कार्यवाही हुई शुरू। अल्मोड़ा पुलिस को बड़ी सफलता लगी हाथ, साइबर ठगी करने वाले 5वें आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। टिहरी में तीसरे संतान पैदा होने पर डीएम ने ग्राम प्रधान को पद से हटाया। विधानसभा सत्र में पहले दिन अनुपमा रावत ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन, अपने दुपट्टे पर लिखे भाजपा विरोधी नारे। 3 थाना क्षेत्रों के अंतर्गत होने वाली चोरी का कारण उनकी पुलिस ने किया पर्दाफाश, 2 अभियुक्त गिरफ्तार। विधानसभा सत्र के पहले ही दिन एक्शन में नजर आए विधायक उमेश कुमार, पत्रकारों से लेकर रोजगार स्वरोजगार और खानपुर के लिए उठाई आवाज। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का प्रथम सत्र कल से शुरू हो गया है। विधानसभा सत्र राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड को भारत सरकार की ओर से सर्वोत्तम फिल्म प्रदेश का सम्मान प्राप्त हुआ। केंद्र ने उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग को 2020 में मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट घोषित किया है। साथ ही किसानों की आय दोगुनी करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना संचालित हो रही है। इसके अलावा प्रदेश में चारधाम यात्रा के अंतर्गत गंगोत्री और यमुनोत्री के विकास के लिए 246 करोड़ रुपए की वित्त पोषण की कार्यवाही गतिमान है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अपने अभिभाषण में कहा कि पेराई सत्र 2021-2022 में गन्ना क्षेत्रफल 88,000 हेक्टेयर से बढ़कर 2022-2023 में 1,00,000 हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू की गई है। कोविड काल में लॉकडाउन की अवधि में 10,00,000 परिवारों को 20 किलो खाद्यान्न प्रतिमा दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के अंतर्गत 23,00,000 परिवारों को 2 किलो दाल दी जा रही है। राज्य को स्वजल स्वच्छ भारत मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 2019-2020 में 9 पुरस्कार मिले। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में जिस तरह से कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है, उसके बाद से उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का प्रथम सत्र कल से शुरू हो गया है। विधानसभा सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। विपक्ष द्वारा अपना नेता न चुने जाने पर विधानसभा सत्र की शुरुआत बिना नेता प्रतिपक्ष की हुई। हालांकि पहली बार सदन पहुंची कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्य सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरा। कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने महंगाई का अनोखे रूप में विरोध किया। राज्यपाल का अभिभाषण जैसे ही खत्म हुआ, वो अपना दुपट्टा फैलाए सदन के बाहर निकली, जिस पर महंगाई को लेकर भाजपा विरोधी नारे लिखे थे। अनुपमा रावत सदन से बाहर निकलकर पूरी तरह से फॉर्म में नजर आई और भाजपा सरकार को महंगाई पर जमकर खरी खोटी सुनाई। इन दिनों विधानसभा चुनाव की हार के बाद कांग्रेस पार्टी में उथल पुथल मची हुई है। एक और जहां पार्टी के कई नेता हार का ठिकरा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सर पर फोड़ रहे हैं, वहीं हरीश रावत पार्टी के नेताओं पर भीतरघात का आरोप लगा रहे हैं। पार टीवी से बातचीत में हरीश रावत ने कहा कि मेरे खिलाफ बहुत सारे झूठ और प्रोपोगंडा रचा जाता है और मुझे उन साजिशों का शिकार बनाया जाता है। मेरा इस प्रसंग से कोई वास्ता नहीं है, नहीं इस पर मैं कोई टिप्पणी करूंगा। मैं तो केवल एक धामी का धूम पेज है सोशल मीडिया के अंदर, जिसका संचालन भाजपा करती है और जिसमें धामी जी की राज्य के मुख्यमंत्री की फोटो लगी है, देश के प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी है। उसमें एक झूठ, एक जाली अखबार प्रकाशित किया गया, जिसमें मेरे बयान को कहा गया कि हरीश रावत ने कहा मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मैं भाजपा से ये पूछ रहा हूँ कि वो अखबार है कहाँ, वो ला करके दिखाओ। मैंने साइबर क्राइम थाने में भी रिपोर्ट की है, मैंने कहा भाई आप जांच करिए इसकी, क्योंकि इस तरीके के अखबारी झूठे छाप दिए जाएंगे जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उस तरीके का अखबार दिखा करके ताकि जनता विश्वास कर ले भाई अखबार में छपा है, और किसी भी नेता को बदनाम कर लिया जाएगा, किसी की छवि पर चोट पहुंचा दी जाएगी। तो मैं भाजपा से बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि ये जालसाजी है आपकी, और नहीं तो दिखाओ मुझको। और मैंने तो अब ये भी कह दिया, उसमें सभी लोग सम्मिलित हैं, मीडिया के दोस्त भी सम्मिलित हैं। पहले मैंने कहा था कोई उस अखबार को ला करके कहाँ से प्रकाशित होता है, उसका प्रकाशक, मुद्रक, वितरक, संवाददाता, संपादक आदि के नाम पते ला करके 10 कॉपियाँ मुझको दिखा देगा तो मैं 50,000 रुपया इनाम दूंगा। अब मैंने इनाम की राशि बढ़ा करके 1,00,000 रुपया कर दी है। 1,00,000 रुपया देने के लिए मैं तैयार हूँ, कोई ला करके दिखा दे वो अखबार है कहाँ, जिस अखबार को धामी की धूम छाप रहा है, दिखा रहा है और आज भी दिखा रहा है, आज भी दिखा रहा है। तो इस झूठ का पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है। राज्य की राजनीति यदि इस तरीके के झूठे अखबारों के साथ
मोड़ने की कोशिश की जाएगी और उसे चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश की जाएगी, देश के लिए और लोकतंत्र के लिए बड़ा घातक है। मेरी चिंता का विषय यह है, बाकी जो जिसका विषय है वो जाने। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भाजपा एक बात समझती है, जब तक हरीश रावत के व्यक्तित्व को खंडित नहीं किया जाएगा, उस पर चोट नहीं की जाएगी, तब तक उनका सारा राजनीतिक हित साधन नहीं होगा। इसलिए मेरे खिलाफ बहुत सारे झूठ और प्रोपेगेंडा रचे जाते हैं और मुझको उन साजिशों का शिकार बनाया जाता है। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के पहले ही दिन खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार एक्शन में नजर आए। उमेश कुमार पत्रकारिता के दौर से ही देश के चर्चित पत्रकारों में शुमार है, जो अपनी विभागीय और भ्रष्टाचार के मुद्दे को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं। विधानसभा सत्र में राज्यपाल ने अपना अभिभाषण दिया, जिसमें सरकार की कई योजनाओं का जिक्र किया गया, जिस पर उमेश कुमार ने कहा कि सरकार सही तरीके से अपना एजेंडा और अपना प्रारूप नहीं रख पाई है। उन्होंने कहा कि पत्रकार कल्याण कोष की सरकार ने स्थापना तो की, पर उससे कितने पत्रकार लाभान्वित हुए। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रति सरकारें संवेदनशील नहीं रही है। वही रोजगार स्वरोजगार पर भी उमेश कुमार ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार के आंकड़ों को लेकर कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण में ई रिक्शा के लिए 9% ब्याज पर लोन की बात पर उमेश कुमार ने कहा कि सबसे गरीब तबके के लिए ये ब्याज दर बहुत ज्यादा है और इतनी ब्याज दरों पर तो कोई भी बैंक लोन दे देगा। उमेश कुमार ने कहा कि ऐसे अभिभाषण से सरकार सिर्फ अपनी पीठ थपथपा रही है, असल में ये जन मुद्दों से मेल खाता हुआ एजेंडा नहीं है। जिस तरीके से उसके अंदर व्याख्यान किया गया है, एल्कोमीटर, थर्मामीटर, तो फिर तो इंजेक्शन भी बता दीजिए किसको कितनी सिरिंज लगी। अभिभाषण में मुझे लगता है कि सरकार को अपना प्रारूप रखना चाहिए था, अपना एजेंडा रखना चाहिए था कि उनकी आगामी योजनाएं क्या हैं। अब जैसे कि पत्रकार कल्याण कोष का जिक्र किया गया, मुझे बताइए कितने पत्रकार अभी तक लाभान्वित हुए, आप में से कोई हुआ है? तो पत्रकार कल्याण कोष की आपने जो है स्थापना की, उससे लाभान्वित कितने हुए ये बताइए। आपने कहा 9616 लोग जो हैं उन लोगों को स्वरोजगार मिला, मुझे 10,000 लोगों की सूची बता दीजिए किन किन को आपने रोजगार दिया। आपने कहा मुख्यमंत्री ई रिक्शा के माध्यम से लोगों को 9% पर रिक्शा ऋण दिया गया, 9% इतने ब्याज पर तो सर जो अन्य बैंक हैं वो भी दे देते हैं, तो आपने ई रिक्शा वालों पर जो सबसे गरीब तबका ई रिक्शा चलाने वाला उसको 9% पे ब्याज दे रहे, तो इसमें कौन सी उपलब्धि है आपकी? बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर एक एक बात करें तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ऐसा एजेंडा नहीं था कि आगामी आने वाले समय में सरकार का क्या प्रारूप रहेगा, किस तरीके से उनका एजेंडा रहेगा, किस तरीके से वो कार्यों को क्रियान्वित करेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के अभिभाषण से बचना चाहिए। टिहरी जिले के भिलंगना ब्लॉक के बासरपट्टी के ग्राम पंचायत सेम के ग्राम प्रधान विक्रम सिंह नेगी को तीसरी संतान होने पर डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव ने पद से हटा दिया है। सेम गांव के ही एक ग्रामीण विकेंद्र सिंह ने इस मामले में जिलाधिकारी से शिकायत की, जिसके सही पाए जाने पर प्रधान को पद से हटाया गया है। शिकायतकर्ता विकेंद्र सिंह ने बताया कि साल 2019 में विक्रम नेगी की दो जीवित संतान थी, उस दौरान पंचायत चुनाव में वह प्रधान पद पर निर्वाचित हुए थे, लेकिन 8 जुलाई 2021 को विक्रम नेगी की पत्नी सरिता देवी ने तीसरी संतान को जन्म दिया। बेलेश्वर अस्पताल में तीसरी संतान होने पर पूरा ब्यौरा है। शिकायत का संज्ञान लेने पर डीपीआरओ टिहरी ने भिलंगना के बीडीओ और सहायक विकास अधिकारी को जांच सौंपी। दोनों अधिकारियों की जांच में शिकायत सही पाई गई। जांच आख्या के आधार पर डीपीआरओ ने ग्राम पंचायत सेम के प्रधान विक्रम सिंह नेगी को नोटिस जारी किया। 22 अक्टूबर 2021 को नोटिस के जवाब में ग्राम प्रधान ने स्वयं की तीन संतान जीवित होने की पुष्टि की। इसके बाद 17 फरवरी 2022 को डीएम की ओर से ग्राम प्रधान को सुनवाई का एक और अवसर देते हुए साक्ष्यों के साथ स्वयं उपस्थित होने को कहा, लेकिन निर्धारित तिथि तक ग्राम प्रधान न स्वयं उपस्थित हुआ और न ही कोई प्रयावेदन प्रस्तुत किया, जिसके बाद जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने सेम ग्राम प्रधान विक्रम सिंह नेगी को दोषी पाए जाने पर 25 मार्च को ग्राम प्रधान पद से हटा दिया है। हल्द्वानी में नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल अप्लायंस के दो दिनी हड़ताल के आह्वान पर डाक कर्मचारियों ने सोमवार को प्रधान डाकघर परिसर में धरना देकर प्रदर्शन किया। नैनीताल मंडल के डाकघरों में कर्मचारियों की हड़ताल पर रहने के कारण कामकाज ठप रहा। डाक कर्मियों की हड़ताल से 10 करोड़ से अधिक का लेन देन प्रभावित हुआ। देशव्यापी आह्वान पर स्थानीय डाक विभाग के कर्मियों ने भी सोमवार से दो दिनी हड़ताल की है। डाक कर्मचारी संघ ग्रुप सी के बैनर तले प्रधान डाकघर परिसर में आहूत धरना स्थल पर वक्ताओं ने निजीकरण का नारेबाजी कर विरोध किया। ब्रांच यूनियन के सदस्य चित्रा जोशी ने कि नई पेंशन योजना को निरस्त कर सरकार को तत्काल पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना चाहिए। एनएफपीए के आह्वान पर हम ऑल ओवर इंडिया से स्ट्राइक पर हैं। सारे पोस्टल एम्प्लॉयज इसमें हैं, लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के बीच यहाँ पर एम्प्लॉयज होंगे हमारे ऑल ओवर इंडिया में। हमारी मुख्य मांगे
एक तो वही है न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम जारी करना, और दूसरा निजीकरण का विरोध हम लोग कर रहे हैं, और इसके साथ हमारी और अन्य भी मांगे हैं। हमारा वर्किंग डेज सिक्स डेज वीक है हमारा, हम उसको 5 डेज वीक कराना चाहते हैं बैंकिंग की तर्ज पर, या फिर बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं सब जगह 5 डेज वीक है, हमारे यहाँ 6 डेज वीक है, हम उसको 5 डेज कराना चाहते हैं। दूसरा, कर्मचारी हमारे यहाँ दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, जो जिनकी डेथ हो जाती है उनकी जगह कोई नया नहीं आ पाता है कंपनसेशन में, या फिर जो रिटायर हो रहे हैं नया एम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो रहा है, हम इस इन सब की मांगों के साथ हम सेक्शन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉयज के आह्वान पर सभी डाक कर्मचारी पूरे देश भर में 2 दिवसीय हड़ताल पे हैं, 28 और 29 मार्च आज हड़ताल का दूसरा दिन है, और हमारी 14 सूत्री मांगे हैं, हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में 14 मांगे हैं, जिनमें से हमारी मुख्य मांगे हैं एनपीएस को स्क्रैप करके ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, 5 डेज वर्क जनवरी 2020 से जब से कोविड है तब से हमारा डीए अभी तक गवर्नमेंट द्वारा रिलीज नहीं किया है ये, और साथ ही प्राइवेटाइजेशन जैसे मुद्दे जो पूरे देश भर में मुख्य मुद्दा है, तो इन मुद्दों के साथ हम हड़ताल पे हैं, हमारे सारे देश भर में जितने भी डाक कर्मचारी हैं सारे इस हड़ताल पे हैं, और इससे बहुत राजस्व का बहुत सरकार को एक नुकसान हो रहा है इस हड़ताल की वजह से, लेकिन हमारा हम ये भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि जब तक हमारी ये मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक हम NFPA के आह्वान पर हमेशा हड़ताल पे जाएंगे, और सरकार जब तक सरकार को हम बाध्य ना कर दें हमारी मांगे मानने पर तब तक हम ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे। काशीपुर में 52 शक्ति पीठों में से एक बाल सुंदरी देवी का मंदिर है जो चेती परिसर में विद्यमान है। कहते हैं माता की बाल लीलाओं की वजह से यहां का नाम बाल सुंदरी के नाम से विख्यात है। इस शक्ति पीठ को उज्जैनी और उक्री शक्ति पीठ के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि मंदिरों को तोड़वाने वाले क्रूर शासक मुगल बादशाह औरंगजेब ने भी इस मंदिर में घुटने टेक दिए थे। आपको बता दें कि 52 शक्ति पीठों में एक माँ बाल सुंदरी का भव्य मंदिर काशीपुर में विद्यमान है। चैत्र नवरात्रि में मां के दर्शनों के लिए भारी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहता है। शोभा यात्रा निकाल कर मां की डोली मंदिर में स्थापित की जाती है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु पूरी भक्ति भाव से मां के दर पर आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर में आदि शक्ति की बाल रूप में पूजा होने की वजह से इसे बाल सुंदरी कहा जाता है। जिस स्थान पर भगवान विष्णु द्वारा सुदर्शन चक्र से माता सती के अंगों को काट दिए जाने के बाद माता की दाई भुजा यहां गिरी थी, तभी यहां माता की कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक शिला पर उनकी दाई भुजा की आकृति गढ़ी हुई है। देखिए यहाँ पे जो भगवत जो इस स्थान की जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पे हर धर्म का व्यक्ति आके माता जी को नतमस्तक होता है, और किंवदंती भी है कि इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो मुगल शासक और क्रूर शासक औरंगजेब द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है, और उसके पीछे भी एक इतिहास रहा है, क्योंकि वो तो सब जानते ही हैं क्योंकि वो काफ़ी कट्टर और क्रूर शासक था, उसके बावजूद भी इस मंदिर का उसने जीर्णोद्धार कराया है। और कहा जाता है कि जो उसकी बहन जब जहारा का स्वास्थ्य खराब हो गया था तब उसने भगवती के इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कहा था, उसके बाद उसकी बहन का स्वास्थ्य ठीक हुआ तब जाकर के उसने इस मंदिर में का जो है जीर्णोद्धार कराया, वह यहाँ आके भगवती को नतमस्तक हुआ। सरोवर नगर नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्रों में शादी ब्याह होली दिवाली नामकरण आदि बधाई के नाम पर मोटी रकम लेने वाले किन्नरों को लेकर एक चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। यहां सोशल मीडिया की सुर्खियों में आए दिन रात ये बात निकल कर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हाल ही में पुलिस ने किन्नरों के मुखिया खलील और उसके साथियों को ठगी करने के आरोप में पकड़ लिया था, और ठगी के रुपए वापस लौटाने भविष्य में दोबारा ठगी न करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। ये मामला इन दिनों नगर में खास सुर्खियों में है और किन्नरों को लेकर तमाम प्रकार की चर्चा चल रही है। सूत्रों के अनुसार किन्नरों के गुरु खलील मामू असल में किन्नर है ही नहीं बल्कि एक सामान्य पुरुष है। इनकी बीवी और बेटियां काशीपुर में रहते हैं। वहीं इनके साथ जो ढोलक बजाता है उसे मुस्लिम के नाम से पुकारा जाता है। उसके आधे दर्जन से अधिक बच्चे हैं। इतने बच्चों के बाद भी मुस्लिम की बीवी कुछ साल पहले गर्भवती हो गई थी और सीढ़ियों से गिर गई थी। नैनीताल के कई लोगों से खलील ने अपनी बेटी की शादी के नाम पर मोटी रकम उधार ली है और वापस करने के नाम पर बदुआ देनी शुरू कर दी है, क्योंकि लोगों में ये भय है कि किन्नरों की बदुआ खाली नहीं जाती, इसलिए लोग खलील और उसके गिरोह के मुंह नहीं लगते, और जब ये शादी ब्याह इत्यादि में मोटी रकम मांगते हैं तो लोग देने को मजबूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि खलील पिछले कई वर्षों से किन्नरों के गुरु बने हुए हैं। ये पहले अजीजन नाम के गुरु का शागिर्द हुआ करता था। अजीजन की मौत के बाद उसकी पदवी खलील को मिल गई और तभी से खलील नैनीताल और आसपास के सभी क्षेत्रों में झूठा किन्नर बनकर पैसों की वसूली कर रहा है। अगर खलील और इसके गैंग की मेडिकल जाँच हो तो एक बड़ा खुलासा सामने आ सकता है। उधर इस मामले में स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि क्या पुलिस को इसकी जानकारी नहीं है, और अगर है तो इस पर जाँच क्यों नहीं हुई। जनरल अल्मोड़ा की रानीखेत विधानसभा में पुलिस ने नकली आधार कार्ड के नाम पर सिम लेकर एक ऐप के जरिए 11.18 लाख की ठगी के मामले में
पांचवे आरोपी को भी यूपी से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अल्मोड़ा जिले की द्वाराहाट विधानसभा के छानागोलू क्षेत्र के 44 निवासी रमेश चंद्र ने अपने SBI स्थित खाते में 11.18 लाख रुपए निकाले जाने की शिकायत 16 फरवरी को पुलिस से की थी। पुलिस ने IT एक्ट सहित तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच रानीखेत कोतवाल को सौंपी। CO ओशिन जोशी के नेतृत्व में ठगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की विशेष टीम का गठन किया गया। गठन कर अभियुक्त को दबिश दी। साइबर सेल की मदद से 4 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था। पांचवे आरोपी मोहम्मद आसिफ को मधुबन होटल संबल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार मोहम्मद आसिफ ने रमेश चंद्र के आधार कार्ड में कूट रचना से अपना फोटो लगाया। इसके बाद उसने आधार कार्ड से वोडाफोन कंपनी का सिम लेकर अपने अन्य साथी के साथ मिलकर योनो ऐप डाउनलोड किया। बाद में धोखाधड़ी से रमेश चंद्र के खाते से 11.18 लाख रुपए पार कर लिए। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रानीखेत राजेश कुमार यादव, SI सुनील गोस्वामी, मुकेश टंगड़िया, दानगिरी, संदीप सिंह, दीपक खनका आदि पुलिस SOG टीम कर्मी मौजूद थे। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर जारी 28 और 29 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल के तहत सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के नेतृत्व में थराली में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, भोजन माताओं और ग्राम पहरियों ने भी थराली देवाल तिराहे से उपजिलाधिकारी कार्यालय तक विशाल जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। यहां पहुंचे प्रदर्शन अधिकारियों ने केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनहित की बजाय सिर्फ औद्योगिक घरानों को ही लाभ पहुंचाने में जुटी हुई है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन ने 20 सूत्रीय मांगों पर उपजिलाधिकारी थराली के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजते हुए श्रम कानून, निजीकरण पर रोक, भोजन माताओं को मानदेय वृद्धि समेत ग्राम पहरियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को राज्य कर्मचारी घोषित करते हुए 24,000 वेतन देने की मांग की है। वहीं भोजन माताओं ने भी पिछले 3 महीने से मानदेय न मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सरकार के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। और आज हमारे सारे ट्रेड यूनियन की संघर्ष संयुक्त लड़ाई है और इसमें हम मतलब जो निजीकरण है उसको बंद किया जाए और जो भी परेशानी हो, जो हमारे जो आज मानदेय हम लोगों तक पहुँच रहा है वो उसमें पूरा आय व्यय नहीं हो पा रहा है, बच्चों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और न्यूनतम वेतन घोषणा किया जाए। मैं चाहती हूँ और जो हमारे मिड डे मील की भोजन माताएं हैं इनके लिए भी कुछ व्यवस्था होने चाहिए। और ये 2000, 1000, 1500 से लगी हुई है, आज इनके 3000 पे ये लोग पहुँच रहे लेकिन काम पूरा ले रहे हैं और ये इसमें इनका भरण पोषण नहीं होगा, कैसे बच्चों का पालन पोषण होगा, कैसे इनके बच्चे आगे बढ़ेंगे। और हम चाहते हैं कि इनके लिए भी कुछ मानदेय बढ़ना चाहिए और जिले लेवल से लेके प्रदेश लेवल से लेके आज सारी हमारी मतलब ट्रेड यूनियन सरकार के विरुद्ध है। हम चाहते हैं कि जैसे सरकार ये निजीकरण कर रहे हैं इस पर रोक लगाया जाना चाहिए और जो रिक्त पद है उसको तुरंत भरा जाना चाहिए और अस्थाई लोगों से ही भरा जाना चाहिए, आउटसोर्सिंग से नहीं। जो लोग और जो जैसे कि आंगनबाड़ी वर्कर्स का 60 साल में रिटायरमेंट है, जैसे हमारे कोई मतलब कल हमारी एक सहायक है जो रिटायरमेंट होने जा रही है और उस निराश्रित है, उसके ना घर में औलाद है ना कोई जमीन है, पति बीमार है, 60 साल में वो रिटायर हो रहे हैं ना, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वो बेचारी लगाओ, सरकार से अनुरोध है कि वो खाएगी क्या है पेंशन, इसलिए थोड़ा सा मिनिमम मैक्सिमम जो भी हो रिटायर होने के बाद उनको मतलब पेंशन दिया लागू किया जाए। मांगे हैं सबसे पहले आंगनबाड़ियों का जो शोषण किया जा रहा है, एक तो जो NGO के माध्यम से आजकल केले और अंडे ये खजूर चिप्स जो दिए जा रहे हैं ये हमारे केंद्रों तक नहीं पहुँचाया जा रहा है। आधे रास्ते में अब जगह जगह केंद्रों पे बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे हमें ढुलान की तुम खुद उतारो, अंडे के लिए देहरादून से आ रहे हैं, अंडे अगर यहाँ पे भौगोलिक स्थिति देखी जाए तो यहाँ आते आते वो अंडे खराब हो जा रहे हैं, कई घर ले जाते केंद्र पे अंडे ले जाते हुए अंडे फूट जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी दी जा रही है आंगनबाड़ी को। अगर टूट फूट हो गई तो आंगनबाड़ी इसका पैसा भरेगी या इसको पूरा भुगतान करेगी, ठीक। दूसरी हमारी मांग ये है कि हमारा मानदेय बढ़ाया जाए, हमारा न्यूनतम मानदेय 24,000 किया जाए और आंगनबाड़ियों का शोषण किया जाता है, ये काम करो वो काम करो, दुनिया भर के काम आंगनबाड़ियों को दिया जाता है लेकिन हमें उस तरह का मानदेय कुछ भी नहीं दिया जाता है और हम इसलिए परेशान रहते हैं। ढुलान जो केंद्र में सामान आता है हमारे ऑफिस में कार्यालय में, हमें उसका भी ढुलान नहीं मिलता है, हम गाड़ियाँ बुक करके अपना ढुलान सामान घर तक केंद्र तक ले जाते हैं, उसका हमें ढुलान नहीं मिलता है। दूसरा जो सैनिटरी नैपकिन पैड जो आ रहे हैं उसकी पेटियां उठा के आंगनबाड़ियां सर में उठा के अपने केंद्र पे ले जा रही है और वहां पे उसको बेच रही है, 6 रुपए का एक पैकेट है हमारा घर ले जाते हुए, उसका हम 3-3, 4-4, 5-5 सौ उसका ढुलान देते हैं, वो हमें नहीं मिलता है। और अन्य तो जो भी सामान है वो हमारे कार्यालय से लेके हम अपने केंद्रों तक उसको ले जाते हैं, उसका हमें ढुलान नहीं मिलता है। हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी दी जाती है कि खुद अपना ढुलान ले करो और हम यहाँ पे कोई पैसा वैसा नहीं आता है, ये हमें ढुलान दे दो और या तो केंद्र तक वो सामान वहाँ पे फेंक दो, रख दो।
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का जो 28-29 मार्च 2022 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन स्ट्राइक का जो आह्वान था, उसी के तहत हम आज जनपद के कई तहसीलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य मांगें यही हैं कि जो लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी जो स्कीमें हैं उनके बजट में जो कटौती की जा रही है उसको रोका जाए, पब्लिक सेक्टर का निजीकरण करना बंद किया जाए, जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम पर जो यहाँ की जो सार्वजनिक जो परिसंपत्तियाँ हैं उनको कौड़ी के भाव हमारे केंद्र की सरकार अपने जो कॉरपोरेट मित्र घराने उनको बेचने का जो काम कर रही है, इस पर रोक लगे। श्रम कानून जो चारों श्रम कोड हैं उनको वापस लिया जाए, जो पूर्व में जो बड़े कुर्बानी के बाद जो श्रम कानून हासिल किए थे उनकी बहाली हो, ये मांगों के लिए आज यहाँ पर हम लोग जुटे हुए हैं। कालाडूंगी रामनगर और हल्द्वानी थाना के अंतर्गत चोरी करने वाले गिरोह का कालाडूंगी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। कालाडूंगी और अन्य थाना क्षेत्र से चोरी किए गए होल्डिंग जिसमें लोहे के कटर सहित अन्य सामान भी मौजूद था, जिसके ऊपर कालाडूंगी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। वादी निवासी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश द्वारा कालाडूंगी रामनगर और हल्द्वानी पुलिस को सूचना दी गई, जिसमें पुलिस ने FIR दर्ज कर कार्रवाई कर मुलजिम को निजी वाहन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को चोरी किए गए माल के साथ बरामद कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। नॉर्थ इंडिया में एक कंपनी है जो एडवर्टाइजमेंट का काम करती है, इसके जगह जगह प्रत्येक कस्बे में चौराहे पे मेन रोड पे होल्डिंग लगे हुए हैं। इसी क्रम में यहाँ कालाडूंगी पर होल्डिंग चोरी हो गए थे, जिसके संबंध में थाना कालाडूंगी पे एक FIR पंजीकृत किया गया। इसके अलावा एक FIR रामनगर में, एक हल्द्वानी में FIR पंजीकृत की गई है चोरी के संबंध में। इस चोरी के संबंध में दो व्यक्तियों को हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया, एक का नाम जुबैर है जो कालाडूंगी का रहने वाला, एक सलीम जो क्या कहते हैं हल्द्वानी का रहने वाला है। दोनों से चोरी किया गया माल बरामद हुआ, माल बरामद कर इनको जेल भेजा जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। विकासखंड मुंशियारी के दूरस्थ क्षेत्र सिनी चामा के राजकीय जूनियर हाई स्कूल विगत 3 सालों से अध्यापक न होने के कारण बंद पड़ी है। वर्तमान में गांव के गरीब परिवार के बच्चे गांव से बाहर जाकर पढ़ने में असमर्थ हैं, जिसमें कल सिनी चामी गांव के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पूरन सिंह चुपाल के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ पहुंचकर अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन भेजा, जिसमें ग्रामीणों ने विद्यालय की समस्या बताते हुए तुरंत कार्रवाई कर स्कूल खोलने की मांग की। परवर्ती राजस्व उप निरीक्षक और निरीक्षक राजस्व सेवक संघ की ओर से पौड़ी जिला पंचायत सभागार में मंगलवार को आपात बैठक का आयोजन किया गया। वहीं संगठन के अध्यक्ष विनोद रावत की ओर से बताया गया है कि जनपद पौड़ी के सतपुली चौबट्टा खाल और कोटद्वा तहसील में जनवरी और फरवरी को वेतन संगठन के सदस्यों को नहीं मिला है, जिसमें उनके समक्ष आर्थिक संकट गहराना भी लाजमी है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि जल्द ही सभी लोगों को उनका वेतन नहीं मिलता है तो इसके लिए अगर उन्हें आंदोलन पर जाना पड़ा तो वो उसके लिए भी तैयार है। साथ ही बैठक में संगठन से जुड़े लोगों के हकों को लेकर भी चर्चा की गई। हमारी एक संगठन की आपात बैठक आज बुलाई गई है, इसमें हमारा मेन जो मुद्दे हैं ये हमारे 3 तहसीलों में चौबट्टा खाल, सतपुली और कोटद्वार में जो है माह जनवरी और फरवरी का वेतन संगठन के सदस्यों को आरिफ नहीं किया गया है, उस पर हमारे द्वारा विचार विमर्श किया गया है और आगे की रणनीति हम इसमें तय करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन किया जाएगा। अलमोड़ जिले के राजकीय महाविद्यालय भतरोज खान में NSS कैंप आयोजित किया गया। SO भतरोज खान अनिश अहमद के नेतृत्व में SI हेमा कार्की ने महाविद्यालय भतरोज खान में पढ़ रहे छात्राओं को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कैरियर काउंसलिंग के बारे में जागरूक किया। SI हेमा कार्की ने कैंप में छात्राओं को कठिन परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया गया। छात्राओं को वर्तमान में हो रही साइबर फ्रॉड, फर्जी वीडियो कॉलिंग, महिला संबंधित अपराधों के बारे में जागरूक किया गया। परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती मुस्लिम समाज के लोगों के साथ वायरल हो रहे फोटो पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कुछ दिनों से स्वामी चिदानंद सरस्वती के साथ एक विशेष समुदाय के लोगों की फोटो को सोशल मीडिया पर यह कहकर वायरल किया जा रहा है कि आश्रम के ऋषि कुमारों द्वारा मुस्लिम समाज के लोगों की नमाज के लिए गंगा के तटों को साफ कराया गया। इन फोटो के वायरल होने के बाद सांभवी आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में सोमवार को संतों की बैठक हुई। बैठक में आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि गंगा के पावन तट पर नमाज पढ़ने से संत आहत हैं, काली सेना इसका विरोध करेगी, उन्हें सनातन धर्म और अखाड़े से बाहर करने की मांग करेगी। उनका कहना है कि योग नगरी के संत ने सनातन धर्म और संस्कृति का अपमान किया है। दूसरी ओर परमार्थ निकेतन आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने इस पर अपना स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ये 4 वर्ष पुरानी फोटो है, जिसे जानकारी के अभाव में सोशल मीडिया पर डाली गई और जो सत्य से परे है। उन्होंने वायरल करने वाले
फेसबुक यूजर की सुदबुद्धि के लिए भी प्रार्थना की है। उन्होंने कहा कि ये तो सच है कि 4 साल पहले 2018 में एक बैठक हुई थी जो राष्ट्र की गरिमा बनाए रखने के लिए थी। वर्ष 2018 में देवबंद के विभिन्न मदरसों में पढ़ने वाले 100 छात्र को राष्ट्रीय इमाम संघ के मुख्य इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी परमार्थ निकेतन लेकर आए थे, जहाँ पर डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी और उन्होंने एक साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। वह सभी हिंदू और मुस्लिम धर्म के छात्रों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया था, जबकि कुछ लोगों ने इसको सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया है। आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक सूचना के बारे में मेरे संज्ञान में लाया गया और मुझे लगा कि इस सच्चाई को सामने लाना चाहिए। जो बताया गया वो तथ्यों से परे है, सत्य से परे है, मैं उसका खंडन करता हूँ। सच तो ये है कि 4 वर्ष पूर्व राष्ट्र में राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बारे में कुछ विवाद चल रहे थे। कुछ धर्मगुरुओं से बातचीत हुई, लगा कि इस विवाद का समापन होना चाहिए। वे यहाँ आए और आकर उन्होंने राष्ट्र ध्वज फहराया, राष्ट्रगान गाया, साथ में वतन की उन्नति के लिए संकल्प किया। धन्यवाद। हर वर्ष हल्द्वानी में राज्य स्तरीय महिला T20 क्रिकेट का टूर्नामेंट किया जाता है। इस वर्ष भी हल्द्वानी में राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में कल महिला T20 का सेमीफाइनल खेला गया। वहीं इस प्रतियोगिता में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रमोद तोलिया ने शिरकत कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। सर, मैं नैनीताल की टीम से आई हूँ। इस बार नैनीताल वॉरियर्स करके टीम है हमारी और मैं सितारगंज से बिलोंग करती हूँ। और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है यहाँ पर और काफ़ी गर्ल्स आती हैं और काफ़ी अच्छे लेवल्स की गर्ल्स आती हैं यहाँ पर, तो अच्छा कॉम्पिटिशन मिलता है यहाँ पर और हमें सीखने को भी मिलता है कि हम किस स्तर पर खेल रहे हैं और हमारा स्तर कितना अच्छा होना चाहिए औरों के लिए और जगहों के लिए, तो इसलिए अच्छा लगता है। टूर्नामेंट काफ़ी बेहतरीन टूर्नामेंट कराते हैं जो भी चफाल दी और काफ़ी अच्छा स्टे वगैरह है यहाँ का, सब कुछ जो कि सब ऑर्गेनाइज के द्वारा कराया जाता है, जो काफ़ी अच्छा है कि हाँ हमें लगता है कि हम अच्छे पोजिशन पर खेल रहे हैं और हमें अच्छा अनुभव मिलता है यहाँ से। सर, बहुत अच्छा लगता है। प्लेयर के लिए इम्पोर्टेंट होता है मैच, जो कि हमें बहुत अच्छे से खेलने के लिए मिलते हैं यहाँ पे। कॉम्पिटेटिव टीम आती है सामने से, अच्छा लगता है अगर हम लोग यहाँ पे स्कोर करते हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि नहीं कुछ किया है। और स्टे वगैरह फूड बहुत अच्छा मिलता है यहाँ का, ग्राउंड बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स को जिन्होंने हमारे लिए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कराया है। जो 4th टूर्नामेंट यहाँ इस बार आयोजन किया जा रहा है, शायद ये राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट है। इसका 31 तारीख को फाइनल होने जा रहा है। मैं सभी को आयोजक मंडल को बधाई देता हूँ, साथ ही साथ जो आप लोगों ने इन बच्चों को खेल की तरफ बढ़ावा दिया, जिससे नशे और गलत संगत से दूर हो गए, जो भी इनका समय बचे वो पढ़ाई के बाद वो खेल में दें और अपने क्षेत्र का और अपने प्रदेश का और राष्ट्रीय स्तर तक, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से खेल से यहाँ खेल के वो हमारे प्रदेश लेवल में तथा राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे, यही आशा करता हूँ इन सभी बच्चों से। अल्मोड़ा प्रधान डाकघर में डाक विभाग के कर्मियों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। डाक कर्मियों के धरना प्रदर्शन से लोगों को पोस्ट ऑफिस से बगैर कामकाज के लौटना पड़ा, जिससे लेनदेन काफी प्रभावित रहा। डाक कर्मियों ने सरकार को अपनी समस्या का निस्तारण करने की मांग की। वक्ताओं ने कहा कि NPS बंद, पुरानी पेंशन बहाल, कर UDS आदि मांग की। जनपद अल्मोड़ा में गांधी पार्क में जिला विकास प्राधिकरण के सदस्यों ने प्रदेश की धामी सरकार का विरोध किया। प्राधिकरण के सदस्यों ने सरकार प्राधिकरण को पूरी तरह से खत्म करने की मांग की। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ TV। नमस्कार।